नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधतं ऋतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीता निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, सॉरी, ये चिकित्सा स्थान के हम लोग ये अष्टांग हृदय कल्प सिद्धि स्थान के चैप्टर नंबर 1 आई थिंक आज कौन सा सूत्र पढ़ेंगे। जुंगारे साहब कैसे हैं आप? 20वां सूत्र हुआ था जहां तक मेरा ख्याल है। जुंगारे जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। कौन सा सूत्र किया था? 20वां हो गया था, 20वां, 21वां, 22वां शायद। 23 सर। 23 होना है। तो आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देता हूँ, आप शेयर कर पाएंगे? नहीं सर, वो अभी PDF फाइल बहुत हो गई है इसलिए। हो गई है, चलिए मैं करता हूँ शेयर। चलिए मैं शेयर करता हूं। ठीक है, टीका टीका है आप लोगों के पास? टीका वो भी खो गई, होनी नहीं चाहिए ना। चलिए मैं शेयर करता हूं। फिलहाल जो है आई थिंक 22वां तक हो गया, 23वां करना है ना आज हमको। जी 23वां करना है ना, महेंद्र अच्छा, जी 23वां करना है। कौन सा सूत्र करना है तो बता दीजिए। जी सर 23 ठीक है मैम। पर्यायगतानाम पर्यागतानाम शुष्कानाम फलानाम वेणी जन्मनाम चूर्णस्य पयसाम सुक्ति वात पित्तार्दितः पिबेत द्वे वा त्रीणि अपि वापो थ्यक्वाथे तिक्तोत्तमस्य वा आरग्वाद आरग्वाद आदिना वक्तात् सुत्यान्यस्मस्य वा विमृदं पत्पुतं तं क्वाथं पित्तलेश्मज्वरी पिबेत। ये मैं शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पर इसका अर्थ है कि अभी जो भी अभी अभी आपने देख रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के वामक द्रव्यों की कल्पना पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से देवदाली का प्रयोग करना है हमने। तो देवदाली के प्रयोग में यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि देवदाली जीमूतक के भली प्रकार से पके हुए सूखे फलों का पाउडर बनाए, चूर्ण बनाए, और फिर इस चूर्ण को अपनी सुक्ति यानी आधा पल मात्रा को दुग्ध के साथ वात पित्त प्रधान दोष प्रधान रोगी पिए, फिर निम के क्वात के साथ निम के क्वाथ में देवदाली के 2 या 3 फलों को कूट कर डाल दें, या फिर आरगवद आदि 9 द्रव्यों में से किसी एक के क्वाथ में देवदाली के 2 या 3 फलों को डालकर संधान करके फिर उसको अच्छी प्रकार से मल लें और छान लें, और फिर उस क्वाथ को पित्त श्लेष्म ज्वरी यानी कि गफ जो यहाँ पे लिखा है, तो क्वाथम पित्तम श्लेष्म ज्वरी पिबेत। श्लेष्म ज्वरी जो है पित्त और कफ जो है ज्वर रोगी इसको पिए, ऐसा बताया है।
यहाँ पर इसकी टीका अगर आपके पास है तो टीका, मेरे पास तो है नहीं टीका, मैं ये सूत्र शेयर कर देता हूँ। यदि अगर आपके पास में कोई पीडीएफ है, अगर स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। किसी के पास स्क्रीनशॉट है टीका से? पर टीका, उसकी टीका है मैडम आपके पास? रेखा जी, आरती जी, शशि जी, अरे आप लोगों के पास टीका होनी चाहिए ना इसकी। कुछ लोग तो मौलिक सिद्धांत विषय में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपके पास तो टीका होनी चाहिए। जी सर प्रणाम सर, है पर सेंटर पर रखी है, घर पर नहीं अरे पढ़ पाते तो अरे ठीक मैडम जी, टीका तो हमेशा साथ लेके चलनी चाहिए, हम तो जाते हैं कहीं भी टीका साथ में रहती है। जिस चीज से आप प्यार करते हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए। मौलिक सिद्धांत के वाले व्यक्ति के मोबाइल में संहिताएं होनी चाहिए, आप रख लीजिए इसको तभी हम। जी कर देती हूँ। हाँ, अगर आपके पास ठीक है टीकाएं नहीं है, मैं तो देखा है कि एक, मैं ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो अपने बहुत फेमस वैद्य हैं, संहिता के बहुत विद्वान हैं, और उन्होंने अपने अपने पूरी मोबाइल में ही टीकाएं और पूरे शास्त्र रखा हुआ है। जैसे मैं मर्म और नाड़ी और पंचकर्म पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास उसकी सारी चीजें लगभग लगभग मेरे मोबाइल में ही होती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। चलिए, एनीवे यहाँ पे शायद मुझे शेयर कर दिया किसी ने, वेरी नाइस, थैंक यू महेंद्र जी, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपको। हो सकता है शेयर करने में दिक्कत होती हो कई लोगों को टेक्निकली, लेकिन मैं, हाँ यहाँ पे शेयर भी कर दिया महेंद्र जी ने, वेरी नाइस। ये देखिए महेंद्र जी, आपको नमस्कार, कहाँ से हैं महेंद्र जी आप? महेंद्र जी आपको धन्यवाद, राजस्थान क्या बात है, अब आप जो है ऐसे ही शेयर किया करेंगे, और आपकी आवाज बहुत दमदार है। वेरी नाइस, बोल्ड है, बहुत अच्छा। अब आप जो है इसकी टीका पढ़ेंगे, आप ही किस श्रीमुख से पढ़वाते हैं इसकी टीका, टीका भी शेयर करें। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा पहले, इसको रिवाइज कर दीजिए कोई यहाँ पे। जी पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं आप, एनी पर्सन। 27वां सूत्र स्लो सेल की शेयर किया है ना आपने, ये मुझे लगता है 24वां 25वां करना था सर। थोड़ा सा दूसरा पेज तो नहीं हो गया शेयर ये? एक मिनट महेंद्र जी, दूसरा पेज हो गया शायद, उससे पहले वाला पेज कर दीजिए। चलिए मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, एक मिनट। वन टू थ्री फोर, मैं करता हूँ मीटिंग। वन टू थ्री फोर हाँ, करिए करिए महेंद्र जी, करिए आप शेयर कर रहे, करिए, नहीं तो फिर मैं कर रहा था, करिए आप करिए, इससे पहले वाला पेज करिए सर, शेयर कीजिए। जी हाँ जी, अब आया ना सही, दैट्स गुड गुड। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 23वां, जो मैंने ये अभी 23वां 24वां हो गया था, ये मैंने 25वां अभी पढ़ा है आई थिंक। जी मूत, यही वाला सूत्र पढ़ा मैंने, 24वां और 25वां, 24वां 24th और 25। तो जुंगारे साहब एक बार दोबारा पढ़िए इसको, 24th और 25 को पढ़िए। द्वे देवा द्वेवा त्रिनेपि वा अपोथ्य क्वाथे तिक्तो तिक्तो तिक्तोमस्य वा वेरी नाइस, आरगवदादि नवका दासुत्यान तमस्य वा वाह विमृद्य पुतम तम क्वाथ पित्तम श्लेष्म ज्वलि पिबेत। क्या बात है, आप थोड़ा इसका अर्थ अर्थ तोड़ने का प्रयास कीजिए। द्वेवा त्रिणी अपि वा पोथ्य क्वाथे तिक्तो उत्तमस्य वा, बोलिए क्या मतलब हुआ इसका? द्वेवा त्रिनी हाँ द्वेवा का मतलब, द्वेवा का मतलब, दो दो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, द्वेवा और त्रिणी अपि वा, त्रिणी अपि वा मतलब तीन, तीन है ना, तीन। तो क्या, तो फल देवदाली के जो हम फल है उसकी बात की जा रही है। वाथे तिक्तो मस तिक्तो उत्तम सेवा,
मतलब वो तिक्त रस में उत्तम है वो। वेरी नाइस, क्या बात है, आगे बढ़िए। आरगवदादि नवका नवकादा सुत्या हाँ तन सुत्यान तमस्यवा। वेरी नाइस, आरगवदादि नवकाद सुत्यान तमस्यवा, क्या मतलब है, पढ़िए। आरगवदादि जो, आरगवदादि हाँ आरगवदादि जो जो द्रव्य हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, जो 9 द्रव्य आपने लिए हैं उनमें से कहते हैं कि उनमें से किसी आप एक के क्वाथ में कहते हैं, जो अभी जो ये देवदाली के 2 या 3 फलों को डाल लीजिए, और फिर कहते हैं विमुद्ध पूतम तम क्वाथम पित्त श्लेष्म ज्वरी पिबेत, और जनदान करके छान करके उसको जो पित्त कफ ज्वरी जो है उनको पिलाना चाहिए। ठीक है जी जुंगारे साहब, हाँ सर। आप थोड़ा संस्कृत की टीका यहाँ मैडम पढ़ेंगे। बीना जी मैडम आई है कि नहीं आई है? बढ़िया टीका पढ़ती है, उनके पास किताब भी है। जिनके पास किताब है वो अपनी किताब से, महेंद्र जी आपके पास दूसरी टीका की किताब है तो आप जरा संस्कृत का इसी का टीका यहाँ से पढ़िए जी। किताब नहीं इसमें जी पढ़ाऊं तो ये आर्य हाँ रसायन वाला हाँ ये संस्कृत जो लिखा है इसी में से पढ़िए तोड़ तोड़ के। नहीं ये पर्या कथा नाम क्या ये आर्य नहीं रसायन पर्या वाला। पर्यागता नाम, पर्यागता नाम। पर्यागता नाम प्राप्त सम्यक पक्वा नाम फला नाम बेणी मज्जान मना देवदारु उत्पन्ना बस चूर्णस्य। अब यहीं पर रुक जाइए। पर्यागता नाम प्राप्त सम्यक पाका नाम, पर्यागता नाम प्राप्त प्राप्त सम्यक पाका नाम, या का मतलब है कि जो पढ़ पाएंगे इसका अर्थ या मैं बताऊं? पर्यागता नाम का अर्थ है प्राप्त मतलब पूरी तरह जो पक गया हो। नाम वेरी नाइस, और आगे बेड़े बेड़े जन मना मतलब देवदारु उत्पन्न नाम देवदातु है उसके बारे में कहा इसको हाँ देवदा देव जो देव उसके देवदाली का जो जो अच्छी प्रकार से जो पूरा पक गया है फल उसके बारे में कहा है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ सुक्ति इसकी मात्रा है अर्धपल। वेरी नाइस, आगे पैसा बात पित्तव्यम आदित मतलब जो बात पित्त से पीड़ित व्यक्ति है आतुर है विवेक उसको पिलाना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आगे दो व त्रीणी अपि दो या तीन जी व या जीमूतक लान्यो उपपत्ति मतलब उसको जर्जरी करते हैं उसको चूर्ण बना करके। तिक्तो वेरी नाइस, उत्तमस्य तिक्त में उच्च मतलब सबसे श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ निम्न तीन जी जो पित्त नीम है, श्लेष्म ज्वरी पिबेत पित्त श्लेष्मा वेरी ज्वर में पिलाना चाहिए। नाइस, अथवा आरग बदादी नवका नवकात जी, का मतलब है आरग बर जो बर की औषधि है अनकवात नौ जो होती है औषधियां आरगवदादि वर की 9 औषधियां नवकात। नवकात उन औषधियों को लेना चाहिए। अन्य कहते तमस क्वाथे और दूसरे क्वाथे द्वे वा त्रिणी दो या तीन जी या जीमूत फलाम उत्सृत जीर्ण फल संधानाय उसको संधान करके तथा जी बिमृद उसको मल के पूत क्वाथ जी प्रेत जरी पिवे पित्तर श्लेष्मा के जल में पिलाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आगे वाला भी लाइन पढ़ दीजिए। गरागरी च बेणी च देवदाली च जीमूत चेति पर्याया ये इसके जी पर्याय है। बहुत घर बढ़िया, आगे देवदाली ये जीमूत के पर्याय हैं सब। अरे महेंद्र जी आपने कितना बढ़िया पढ़ा, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, इतना अच्छा पढ़ा मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। आपने बीएमएस कहाँ से किया है? एनआईए जयपुर से सर। बहुत बढ़िया, तभी आपको आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पढ़ने में। एमडी भी करिए, आप कर लिया आपने सर? एमडी नहीं किया सर हम तो रिटायरमेंट हो गया अभी 62 साल हो गया राजस्थान में दोबारा ओहो, पोस्टिंग लेकिन दे रही है गवर्नमेंट। सर आपने बहुत बढ़िया, आपने संस्कृत के सूत्रों को इतना बढ़िया पढ़ा, बहुत ही बढ़िया टीका पढ़ी, आपके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत, आपकी आवाज भी बहुत बोल्ड है, आप तो अभी लगता ही नहीं रिटायर हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप आज के जो जो आपके आपके आज के यंग लोगों से ज्यादा एक्टिव, आपने देखिए टीका की पुस्तक एकदम से शेयर की और आपने एकदम से, आवाज सर थोड़ा कट रही है आपकी, सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है सर, सर
आप बता रहे थे आप नहीं डिप्टी डायरेक्टर भी रहे क्या? हाँ डिप्टी डायरेक्टर से पसी रिटायर्ड हुआ था सर मैं भरतपुर से। बधाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप हमारे ग्रुप में जुड़ अभी करके, हम बड़े आपको अपने ग्रुप में जुड़ करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। 62 रिटायरमेंट जी एज हो गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम जी जी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए, तो गवर्नमेंट अभी शायद या मार्च 1 वीक में दोबारा पोस्टिंग दे रही है, क्योंकि अभी मैं मई में रिटायर हुआ था तो 8 महीने हुए मुझे, तो वाह, बहुत बढ़िया अभी सर, एडिशनल पद पे बैठाई कर बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया। और आपके, आपने इतना अच्छा पढ़ा, और ये जो आयुष दर्पण पे जो अष्टांग हृदय की जो ये पाठ चल रहा है, उसमें आपका ये पढ़ा हुआ भी हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, और इतना बढ़िया टीकाएं पढ़ी। प्लस आप सबसे बड़ी बात जो तारीफ करने वाली बात है कि आप अपडेटेड हैं, आपने तुरंत स्क्रीन शेयर किया और बहुत ही बढ़िया से आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे जितने भी वैद्य लोग हैं, उन सबको डॉक्टर महेंद्र सिंह सर से सीखना चाहिए। वो सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी अब इतने एक्टिव हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए हैं और NIA से पढ़े हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। जो व्यक्ति कहाँ से पढ़ता है, इसीलिए कहते हैं कि जो भारत के श्रेष्ठ संस्थान हैं, उसमें तीन संस्थान हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU। यहाँ से जो पढ़े हुए ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आवाज देखिए आप, और उनका एक्सप्लेनेशन देखिए, अमेजिंग। थैंक यू सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन पढ़ेगा यहाँ पर हमारे सबसे, और भी जो पढ़ना चाहें, अगला सूत्र पढ़िए जो यहाँ पे। वैसे एक और इसमें लिखा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा एक सूत्र जो है, मुझे लगता है कि अभी ये अधूरा है या इसमें एडेड है, इसको देखिए आप, ये RO करके लिखा हुआ है, पढ़िए इसको सर, आप ही पढ़िए सर इसको। आयुर्वेद रसायन का है सर ये। हाँ थोड़ा सा पढ़ दीजिए, आयुर्वेद रसायन का है, उसको भी पढ़ दीजिए सर। अव्यधि आ है और कहा है पर्या गताम इति, वो ऊपर जो प्राप्त सम्यक पाठ का विवरण था उसके बारे में बताया, पर्या गतम इति, पर्या गता नाम पक्वा नाम, मतलब पर्या गत का अर्थ है पके हुआ, बेणी बेणी का अर्थ है जीमू, सुक्ति सुक्ति का मतलब अर्धपल, आधे पल की मात्रा में 2 तोला, बहुत बढ़िया, अन्यद आहे और भी द्वे बेती, दो दो प्रकार का अपोथ जर्जरी कृत है, अपोथ का मतलब है जर्जरी के चूर्ण बनाया हुआ, जी बहुत बढ़िया सर, तमस्य तिक्तों में उत्तम, उधर नीम कहा था यहाँ तिक्तों में कहा है पटोल, इन्होंने जो टीकाकार है इन्होंने पटोल को कहा है तिक्तों में पटोल को उत्तम, कहा, इन्होंने पटोल लिया है जी। संग्रह तू संग्रह में कल्प कल्प अध्याय एक, बहुत जीवक बढ़िया, दीपक इच्छु सतावरी राम अन्य तमस्य स्वरस व पित्तजे, पित्तजे में इनका स्वरस लेना चाहिए, जीवक इच्छुक सतावरी इनका, अथवा पूर्ववत घृत सिद्धम, अथवा पहले की तरह घृत को सिद्ध करना चाहिए, पहले जो पिछले शुरू बताया था इन्होंने उस प्रकार वह से घर को घृत को सिद्ध सिद्ध करना करना। है। ठीक, जी, सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। चलिए आप में से किसी को इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हो, या इस पर कुछ और ऐड करना हो, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और टीका की पुस्तक हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सविता जी, आपके पास कोई और पुस्तक हो तो पढ़ सकते हैं, जिसमें इसी सूत्र को अलग तरह से टीकाकार ने एक्सप्लेन किया हो, किसी के पास भी प्रणाम हो। सर, नहीं जी प्रणाम। मेरे पास यही यही बुक है, यही दो अच्छा टीका का बुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ना अभी कितना बढ़िया डॉक्टर महेंद्र सर ने पढ़ा, बहुत अच्छा। तो अंजना मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैडम कुछ अपना टिक्का जी डालेंगी। सर नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को, हमारे पास में नमस्कार इतने जी बड़े सर, बड़े हीरे हैं, डायमंड्स हैं, ये हमें पता ही नहीं था। अब महेंद्र सिंह सर देखिए, डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, क्या जबरदस्त पढ़ते हैं वो, क्या मैं तो आज तो चकित रह गया, बहुत बढ़िया। रिटायरमेंट के नहीं सर बाद भी सर इतना जबरदस्त जज्बा है उनके अंदर। जी बहुत एक्टिव रहते हैं सर, बहुत बहुत अच्छा एक्टिव फील, है, बहुत बहुत अनुभव एक्टिव। अपने शेयर करते हैं और सर, आप अच्छा सर लगता है। हमारे अपने ग्रुप में आप सबसे, मुझे लगता है कि सीनियर हैं आप, और आप हमारे अनुभव जरूर आप शेयर करते रहिएगा, जो आपके अपने प्रैक्टिस के अनुभव हैं जो आपने देखा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिन्होंने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, जो जीवन के लंबे स्पैन को जिन्होंने जिया है, वो उनका जो अनुभव है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी मैडम जी, अब आप थोड़ा सा इस पे कुछ बताइए। जी
जी सर, हम लोग अभी यही जो कल्प स्थान का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था मदन फल, और मदन फल के बाद यहाँ पर दूसरा जो आया था वो जीमूतक आया था। जीमूतक का भी इन्होंने स्पेशली जो हम कल भी पढ़े थे कि यही बता रहे हैं कि जो भी हमने मदन फल की तरह से यूज किया है, मदन फल की बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाओं का यहाँ वर्णन आया है। कुछ कुछ उसी तरह की कल्पनाओं का वर्णन यहाँ पे इन्होंने जीमूतक के साथ भी किया है। और जो जीमूतक की स्पेशलिटी है, जैसे अभी हमने श्लोक नंबर 26 में देखा कि जीमूतक का हमने कल्क बनाया या फिर हमने जीमूतक का चूर्ण बनाया, और उसको हमने क्या किया कि शीतल जल के साथ देंगे। हम कहाँ कहाँ इंडिकेशन दिया उन्होंने, पित्त जल में, क्योंकि वहां दाह है, उष्णता है, तो वहां पर शीतल जल से देंगे हम जीमूतक का कल्क। और अगर वही कफ वात जल वाले में देंगे, जहाँ कफ की अधिकता होगी, वहां पे हम इसे गुनगुने जल से देंगे। तो ये दो चीजें इन्होंने एकदम डिफरेंस बता दी कि अगर वायु, तो हमारे कहते हैं पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातुवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। यहाँ पे यही वाली बात है कि अगर वही वायु जब पित्त के साथ है या पित्त अधिकता है, तो हमें शीतल जल से देंगे जीमूतक का चूर्ण या जीमूतक का कल्क। और अगर वो जो है वो वहाँ उष्णता है या कफ अधिक, सॉरी कफ की अधिकता है, तो वहाँ उष्ण जल से या वार्म वाटर के साथ उसको पिलाएंगे। तो जो हमने टीका पढ़ी है, और यहाँ पे एक स्पेशली इन्होंने वक्तव्य भी दिया है कि जीमूतक का जो घृत की भी कल्पना आचार्य चरक जी ने की हुई है, और उन्होंने बताया है कि सरस कल्क और चूर्ण जो है ये तो उस तरह की कल्पना, पंचकषाय कल्पना बताई है, लेकिन जो विमान स्थान अगर हम खोलेंगे चरक संहिता का अध्याय 2 का 13वां श्लोक है, तो वहां उन्होंने घृत को बताया है कि जीमूतक का घृत बना सकते हैं, और जो वो पित्त जन्य जितने भी विकार है उसमें उसमें लाभकारी होगा। और क्योंकि घृत वगैरह की जो कल्पना होती है आचार्य चरक के अनुसार वो चिर स्थायी मानी गई है, इसलिए इन कल्पनाओं पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है। बहुत बढ़िया मैडम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। और भी कोई इस पे अपना इस पे प्रकाश डालना चाहे तो इस प्रकाश डाल सकते हैं इस पे। जी वीना जी, मैडम जी आप भी कुछ बताना चाहती हैं? मैडम आपका अभी इंतजार हो रहा था, प्रातःकालीन सत्र में आपका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। वीना जी सर, मैडम जी, हाँ सर, नहीं मैडम ने कह दिया तो बहुत अच्छा रहे। वो चरक का हमेशा रेफरेंस देती है, अंजन क्या बात है। ठीक है मैम, तो मैडम अंजन। आप जो है अब 26वां सूत्र पढ़ दीजिए ना जरा। हाँ पढ़ती हूँ सर। जीमूतकल्कम चूर्णम वा पिबेत छर्दितेन वारिणा, पिबेत शीतेन वारिणा, ज्वरे पित्ते कफोष्णेन कफवातात कफाद अपि। जीमूतक फल का कल्क करना है या उसका चूर्ण करना है, वो पित्त ज्वर पर ठंडे पानी के साथ, वा कफवात ज्वर पर या कफ ज्वर इस पर, कफ जो है तो उसको गुनगुने पानी के साथ पीना है, और पित्त जो ज्वर है तो ठंडे पानी के साथ जी वो जीमूतक का कल्क या उसका चूर्ण लेना है, ऐसा 26 में बताया है सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सर जी आप भी जरा पढ़ दीजिए महेंद्र सिंह सर जी, इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कीजिए सर। टीका पढ़िए इसकी सर, आप थोड़ा सा। हाँ अगला वाला पेज शेयर कर दीजिए सर, नेक्स्ट पेज जो पहले आपने शेयर किया था। एक सेकंड सर। हमारे साथ में महाजन जी हैं यहाँ पे, मोनिका मोना गायकवाड़ जी हैं, माधुरी जी हैं, आरती जी हैं, आदित्य शिवहरे जी हैं, संजय विश्वकर्मा जी हैं, और जगीर सिंह जी हैं, वैद्य शशि तिवारी जी हैं, सूरज जी हैं, सब बड़े बड़े दिपुण्य आत्माएं हैं। प्रातः काल जो है अष्टांग हृदय अपने आप मोटिवेशन देता है हम इसको सत्र को करें जी। ये शेयर हो गया शायद सर, अब आप पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। बड़े पढ़े पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेरी ज्वरे आवाज जी सीतेन, पढ़ी? हाँ पढ़िए ना सर, पढ़िए। ज्वरे सीतेन जल, ज्वरे सीतेन जलेन हाँ जलेन लोक, आलोड्य, ये अधूरा अधूरा रह गया सर, उधर एक लाइन हाँ उधर चली गई है। एक लाइन उधर चली गई, कोई बात नहीं, आप उधर से देख के पढ़ दीजिए सर, कोई बात नहीं। तस्येव कल्क चूर्ण या कफ वातात,
जी कपोध भूते जोरे कवोष्णम बारणा पिबेत। तो जी इसमें यही बताया कि जो जो अपना द्विमुख कल्पना है उसका कल्प या चूर्ण शीतल जल से प्रयोग करना चाहिए, और कफ जी बात गले ज्वर में गुनगुने जल से या उसका चूर्ण या कल्प का उपयोग करना चाहिए। वेरी नाइस और आगे की रसायन में कहा है अन्य आह जीमूत कलकम इति, जीमूत का कल्प प्रयोग में करना चाहिए। वेरी नाइस। इसमें बुक में ये एक्स्ट्रा बताया है कि क्योंकि जो रस कल्पना है इसकी स्वरस कल्प और चूर्ण इनको अपन बहुत परमानेंटली टाइम तक नहीं रख सकते, लेकिन जी जो रस कल्पना है उसको अपन बहुत टाइम तक उसको स्थिर रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं सर। जी 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 सर, जी सर, बहुत अच्छा। तो ये हमने इस प्रकार से ये हमारा 26वां सूत्र भी हमने कंप्लीट किया, और अब हम 27वां सूत्र जो है वो इक्ष्वाकु कल्प, उसको पढ़ के फिर हम समाप्त करेंगे। तो पढ़िए, कोई भी पढ़िए, कोई और पढ़िए, आदित्य जी पढ़िए, आप पढ़िए, चलिए कोई और पढ़िए। जी ये 28वां सूत्र है सर, 27वां, 27वां, 28वां सूत्र। 27वां, 27। यस सर, दिख नहीं रहा एक्चुअली, मैं आंखें कोई क्या बात नहीं, कोई नींद बात नहीं। नहीं, आप जो है मुझे काश आपकी आवाज से नजर आ रहा है कि आप अभी आप अभी आप इक्ष्वाकु कल्प है, ये हाँ इक्ष्वाकु कल्प के बारे में बता रहे हैं। जी कास श्वास विष छर्दी ज्वरार्ते कफ कर्षते इच्छुआकु जी बमने सस्तम प्रताम्यति च मानसे। इच्छुआकु जी का पश्यामिति प्रयोग पश्यामिति च मानवे है सर। मानवे मानवे जी मानवे, इच्छुआकु जी का प्रयोग कास श्वास विष बमन और कफ विकार के कारण उत्पन्न ज्वर कफ जी कर्षते इच्छुआकु बमने सस्तम प्रताम्यति च मानवे, मानव में प्रयोग करना चाहिए, मूर्छा युक्त मनुष्य हेतु भी ये श्रेष्ठ है जी। इच्छुआकु बमने सस्तम प्रताम्यति च मानवे, प्रशंसा सस्ता है, प्रशस्त है, यानी कि है। मानवे मानवे का अर्थ नीचे दिया है सर, इसमें लिखा है हमारे श्वास प्रताम्य त्वजादे प्रताम्यति। श्वास विष वमन ज्वर से पीड़ित और कफ से जो एकदम कर्षित हो गया है, और मूर्छा युक्त जो मानव है उसमें वमन के लिए ये प्रशस्त है, यानी जो इक्ष्वाकु है जिसे कड़ू कड़वी तरोई भी कहते हैं उसे प्रशस्त माना गया है। समझ में आया जुंगारे जी? हाँ सर, तो सर जुंगारे जी जरा टीका, जुंगारे जी जरा इच्छुआकु टीका टीका पढ़िए जी। कासा दार्ते कासार दते, कपादिते, कासार दते, कासार दते कपादिते पुरुषे वमने वमने विपये हाँ आप इक्ष्वाकु रुक जाइए, शस्त। कॉमा लग गया ना, वमन हाँ विपय के बाद कॉमा लग गया, आप रुक जाइए, अब इसका अर्थ बताइए। मतलब कास में कास काश आदि, कास आदि आदि, है ना, मतलब काश श्वास विष हाँ कास श्वास सर्दी आदि जो भी छर्दी है ना, ये सब जो जितने कफ भी कफ से कफ के संबंधित जो विकार भी कहा है है जी, उसमें, मतलब हाँ वमन के वमन के लिए, लिए हम इसका मतलब यूज करते हैं इसको। हाँ इक्ष्वाकु सस्ता मतलब इक्ष्वाकु प्रशस्त है, अच्छा है, ये मतलब अच्छा हुआ। है, आगे बढ़िए, प्रत्यामति, प्रत्यामति च मानवे प्रथम कफाक्रांत कफाक्रांत, प्रथमक प्रताम्यति प्रथमकाक्रांत, नरस्तस्मि हाँ च शस्त, सस्ता, क्या मतलब, मतलब ये प्रताम्यति जो मतलब जहां पर जो है, जहां पर ये बताया गया है कि जहां पर मूर्छा हो, यानी आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा संतमक और प्रतमक, पढ़ा ना आपने, हाँ सर, वो पढ़ा है और तमक। मूर्छा के साथ में जहां पर श्वास आता है, ऐसा जहां पर कफ, जहां पर कफ का आक्रांत आक्रांत हुआ हो, नहीं ऐसे में आपको जो कहते हैं ऐसे के लिए भी, ऐसे में भी प्रत्यामति नरतस्मिन चस्तस्त, ऐसे में भी मानव के लिए वमन के लिए ये जो इक्ष्वाकु है यानी कड़वी तरोई है वो सस्ता मतलब श्रेष्ठ है। ठीक है जुंगारे साहब, तो सर यानी कि कफज विकारों के लिए जहां पे हमें वमन कराना हो, या फिर वमन जहां पर वमन जैसे या कफ को निर्धारण करने के लिए वमन,
की प्रक्रिया करनी हो, ऐसे में हमें, या फिर ऐसी स्थिति जहां पर यह भी जो बताया प्रथम का क्रांतत्वाद प्रत्याम्यति नरतस्मित सस्तः, उन सभी में वमन के लिए जो इक्ष्वाकु है वो सस्त है। तो यहाँ पे कासार देते का अर्थ क्वास, श्वास, विष, सर्दी, ज्वर, इन सब से इसका संबंध है, जिसमें कि कफ दोष का जो है, कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं? ठीक है जी डॉक्टर साहब, तो सर, ये इस प्रकार से इच्छुआकु हम क्या क्या होता है सर? इच्छुआकु इक्ष्वाकु कड़वी तरुई होती है। अभी द्रविगुण के विशेषज्ञ अभी इसकी फोटो डाल देंगे आपके ग्रुप में। इसको जो है मदन फल के बाद हम लोग इसको भी एक वामक द्रव्य के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। वैसे मदन फल को श्रेष्ठ वामक द्रव्य माना गया है, पर ये इस प्रकार की बीमारियों में जहाँ पे जो अभी उल्लेख किया है शास्त्रकार ने, वहां पर हम लोग इसका भी प्रयोग करते। कड़वी तरोई कहते हैं इसको, कटु तरोई। तो जी सर, जी सर। चलिए अब हमारा समय भी समाप्त हुआ, कुछ और बताना है तो बताइए सर। 31 मिनट हो गए आज तो पढ़ते पढ़ते, समय का पता हेलो ही नहीं। सर, हेलो सर, मतलब मैं यही हाँ मैडम जी, आप जरा जरा बताऊं स्वस्थ वाचन करिए, फिर कल चर्चा करेंगे जी। क्या? ओके। वाचन करती हूँ सर। आद्य शंकराचार्य रचित गुरु अष्टकम है। शरीरम सुस्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनं मेरुतुल्यम मनच्चेन लग्नम गुरु अधिपद्ये ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसका अर्थ यह है कि शरीर रूपी धन मिला हो, सुंदर पत्नी हो, सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, मेरु पर्वत इतना धन हो आपके पास, मगर आप गुरु सेवा में नहीं लगे हो तो उसका क्या लाभ है? वो सब व्यर्थ है, ऐसा आद्य शंकराचार्य कहते हैं। थैंक यू सर। सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने प्रातःकालीन हमारे इस सत्र को ज्वाइन किया है, और आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।